हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल में देखा ही होगा दोस्तों, जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो द्वितीय भर्ती आने वाली थी उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया। यह मैं यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, आरक्षी नगरीय नागरिक पुलिस एवं आरक्षी प्रादेशिक अमंडम्बर कांस्टेबल बुलेरी के पदों पर सीधी भर्ती अक्टूबर 2018, ये दोनों नोटिफिकेशन यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डाउनलोड करके रखा है, अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ पूरा डिटेल में क्या क्या क्राइटेरिया है उसमें और कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, कितना एज लिमिट, ये सारी चीज़ें उस पर दिया गया है दोस्तों। आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, 21 पेज का नोटिफिकेशन आया है। आप डेट वगैरह सब कुछ देख सकते हैं, दिनांक 16 नवंबर आपको दिख रहा है यहाँ पर, जो ये नोटिफिकेशन रिलीज डेट। ठीक है दोस्तों, पदों की संख्या यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस एवं आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी प्रादेशिक अडम्बर कांस्टेबलरी पे ग्रेड इतना नए वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स अपना यहाँ पर देखिए नीचे, अब आपको पूरा डिटेल दिया गया है कि कितना कितना पद रिजर्व है अनारक्षित के लिए। दोस्तों यहाँ पर 2 वैकेंसी आई हुई है, इसमें कांस्टेबल की है और एक पीएससी की है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो सिविल पुलिस वाली है वो तो महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जो पीएससी की वैकेंसी आई है वो सिर्फ उस पर पुरुष ही आवेदन कर सकते हैं दोस्तों, उसमें महिलाएं नहीं आवेदन कर सकती हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको आप ये पूरा आपको डिटेल यहाँ पर दिख रहा है। अनारक्षी के लिए 15,681 पद हैं, यहाँ पर पद जितने बताए गए थे उससे काफ़ी ज़्यादा पद आए हुए हैं दोस्तों। और यहाँ पर नीचे आप पढ़ सकते हैं पूरा, यहाँ पर आरक्षण का जितना भी प्रावधान है सब कुछ दिया गया है, बताया गया है। आप एक एक करके आवेदन करने से पहले पूरा डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आवेदन कीजिएगा। आवेदन पत्र में अंकित वैरिता क्रम मेरिट के आधार पर किया जाएगा दोस्तों। लिखित परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित हो सकती है और यह भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर उसके लिए कोई कारण समनुदेशित किए बिना रद्द की जा सकती है दोस्तों। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट की बात के लिए, आवेदन कब होगा स्टार्ट यहाँ पर दोस्तों, तो आवेदन प्रारंभ होने की तिथि जो है वो है 19/11/2018, यानी 19 नवंबर से स्टार्ट होगा दोस्तों ये, और आज 16 तारीख है, यानी 2 दिन बाद से ये स्टार्ट होगा। और आवेदन करने की अंतिम तिथि यहाँ पर जो है वो है 8/12/2018, यानी 8 दिसंबर 2018, समय काफ़ी कम दिया गया है दोस्तों यहाँ पर। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 8/12/2018 और ऑफलाइन मोड ई चालान द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 10/12/2018, 2 दिन का टाइम दिया गया है अगर आप बैंक चालान के थ्रू आप अगर पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर 10 तारीख तक का पेमेंट जमा कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात किया जाए तो यहाँ पर आवेदन शुल्क है, इस भर्ती प्रक्रिया हेतु तो सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये है। कोई भी श्रेणी यहाँ पर ये नहीं दिया गया है कि SC ST को कम है, चाहे वो जनरल हो, चाहे OBC हो, चाहे SC ST हो, सभी के लिए 400 रुपये है आवेदन शुल्क दोस्तों। यहाँ पर राष्ट्रीयता की बात किया जाए तो राष्ट्रीयता पे आप पढ़ सकते हैं, पूरी चीज़ें यहाँ पर दी गई है, कौन कौन अदर स्टेट वाले अगर भरना चाहते हैं तो वहाँ पर पूरी चीज़ बताई गई है। शैक्षिक अर्हता यहाँ पर बताया गया है सब कुछ, ठीक है दोस्तों, आप इसको पढ़ सकते हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है दोस्तों, ठीक है। बाकी चीज़ें यहाँ पर पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आयु की बात किया जाए तो यहाँ पर आयु देख लीजिए, भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2018 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करें और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो तो अर्हता, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1996 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो ये क्लियर हो गया, 2000 के बाद वाले आवेदन नहीं कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। 2000 के पहले वालों का पॉसिबल है, वो 18 साल अगर क्रॉस कर रहे हैं, वो भी 1/7/2018 से ही जोड़ा जाएगा, यानी कि 2 महीना कट गया। ये नहीं कि जब नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन तो आपका 11वें मंथ में आया है तो उसमें नहीं, आपको 7वें मंथ से ही जोड़ा जाएगा यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो आपको कंप्लीट होना चाहिए 18+। महिलाओं के लिए बताया गया, महिला अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2018 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करें और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1993 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए, यानी कि 25 क्रॉस ना हो और मिनिमम 18 हो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर बात की गई, परंतु यह की आयु में छूट दिए जाने हेतु उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली की आयोजित, यहाँ पे पूरा प्रावधान दिया गया दोस्तों, पढ़ लीजिएगा, काफ़ी टाइम लगेगा। चरित्र वगैरह के बारे में बताया गया, वैवाहिक परिस्थिति है, शारीरिक स्वास्थ्यता, भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी, सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भर्ती की प्रक्रिया यह चयन उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा प्रथम संशोधन नियमावली 2017 उत्तर के द्वारा हो रही है दोस्तों। लिखित परीक्षा के बारे में यहाँ पर बताया गया कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र पूर्ण एवं सही पाए जाएंगे उनसे लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का एक प्रश्न पत्र होगा। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी। इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिमत्ता, तार्किक क्षमता के प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। निम्नलिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रश्न नंबर 1 पर अंकित है दोस्तों, ऊपर यहाँ पर मिल जाएगा। अभी आपको पूरा सिलेबस भी यहाँ पर दिया गया। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार निम्नलिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली में अथवा एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न प्रश्न पत्र के साथ विभिन्न पालियों में अथवा कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा प्रणाली के माध्यम से संचालित कराई जाएगी। CBT बेस्ड पेपर होगा दोस्तों, MRCET का नहीं होगा सिस्टम। यहाँ पर बुकलेट वगैरह नहीं मिलेगी, आपको ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा इसका। यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम शारीरिक मापदंड बताया गया है, ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा चयन या अंतिम योग्यता सूची यहाँ पर जो तैयार किया जाएगा उसके बारे में बताया गया है कि कैसे संरक्षण किया जाएगा। आरक्षण के बारे में बताया गया है और यहाँ पर लंबवत वर्टिकल आरक्षण जो भी है पर कितनी बस छूट दिया गया है, एज लिमिट, क्षतिज वगैरह, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। टिप्पणियाँ हैं यहाँ पर, सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा आप एक बार दोस्तों अच्छे से, क्योंकि मैं पूरा पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं बस इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ। होमगार्ड्स के लिए जो भी चीज़ें दी गई, अगर होमगार्ड्स के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर शैक्षिक अर्हता वगैरह बताया गया है कि 10वीं या 12वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र होना चाहिए उसके पास। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। जितनी जो पोस्ट है उसके हिसाब से यहाँ पर फोटो वगैरह जो अपलोड करना है उसका साइज वगैरह बताया गया है कि कितना GB का होना चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया यहाँ कहाँ आपको आवेदन करना है इसके वेबसाइट पर आप कर सकते हैं दोस्तों। तो यही सारी बातें थी दोस्तों, जिसका इंतजार था आप लोगों को बहुत दिन से कि कब ऑनलाइन स्टार्ट होगा। तो दोस्तों 19 तारीख से आपका स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म, और जितनी जल्दी कोशिश हो सके पहले दूसरे दिन में आप लोग कोशिश किए करिएगा भरने के लिए, साइट में प्रॉब्लम आने लगती है दोस्तों। तो आशा आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर कोई जानकारी छूट गई हो, हम ना बता पाए हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई आपको देते रहेंगे। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, इसकी तैयारी करना हो प्रैक्टिस सेट वगैरह। और मैं वीडियो के एंड में आपको एक बुक के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों, वो बुक बहुत ही अच्छी बुक है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। बहुत ही अच्छी बुक है, एग्जाम कार्ड का बुक है, आप उसको ऑनलाइन परचेज कर लीजिए। पूरा कंप्लीट कोर्स है, आपको किसी दूसरे बुक की जरूरत नहीं पड़ने वाली है उसमें दोस्तों। तो आई होप अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे भी हम प्रैक्टिस सेट वगैरह प्रोवाइड करते रहेंगे आपको। थैंक यू फ्रेंड्स।